नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और हमारी टीम चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं रजनपुरा पंचायत के उसरही गांव में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहां से भावी सरपंच प्रत्याशी हसनैन खान जी, एक साफ सुथरा और शिक्षित उम्मीदवार हैं। इनसे बातचीत करेंगे, विकास के ऊपर चर्चा करेंगे और आज इनके यात्रा है, रैली है, उनके उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं हसनैन खान जी से। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी हमारे तरफ से स्वागत है। मीडिया वाला लोग का नमस्कार है। सबसे ज़रूरी है कि मैं आज नया नहीं आया हूँ, मैं 2001 से इस पंचायत के अंदर मैं हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक सेवा करने के लिए मैं जनता का तैयार हूँ और जनता मेरी सेवा करने के लिए तैयार है। और विकास का जहाँ तक विकास का बात है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना ना मैं विकास किया कि ये रोड मेरा बनवाया हुआ है, ये जो है रोड मेरा फेंकवाया हुआ है। इसमें सिर्फ काम यही इतना हुआ है कि जो मुखिया आया है वो सोलिंग करा दिया है और पीसीसी करा दिया है, मट्टी मैंने भरवाया है। और आज भी मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि उसरही के अंदर एक और रोड निकालूंगा मैं दलित लोगों का तरह। ये मेरा दावा है। इतने सारे हुजूम, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा विधायक है, और इतने सारे ये बात का संकेत है कि आपने विकास यहाँ पे बहुत अच्छे से किया है। बहुत अच्छा से किया हूँ। और विधायक बनने से खाली नहीं होता है, सरपंच बनने से नहीं होता है, मुखिया बनने से नहीं होता है। अगर कोई पूछता है कि हसनैन खान के कार्यालय कहाँ है तो जनता बोलती है कि जनता का दिल में उनका कार्यालय है, कहीं आज तक ऑफिस नहीं खुला। जनता के दिल में कार्यालय है। एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके साथ छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। आइए, कुछ समर्थक मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं सरपंच हसनैन खान जी के फेवर में, क्या कहना चाहेंगे? हम रजनपुरा पंचायत के एक आम पब्लिक है, इनका जिगरी दोस्त भी है और इनसे इनका कार्यकाल 20 साल से चला रहा है। बीच में नहीं भी थे तो उतना ही काम किए जितना और लोग प्रजेंट लोग नहीं करते हैं। इसलिए सारी जनता से हमारा यही अनुरोध है कि सबको इनको फिर दोबारा लाए और भारी मतों से जिता के हम लोग फिर को सरपंच बनाएंगे। और जितना प्रशासनिक काम है, विकास काम तीन जी में उतना नहीं है, लेकिन प्रशासनिक काम सारा हम लोग करते हैं, किए हैं, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। 20 साल से काम हम लोग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हृदयानंद प्रसाद। और भी यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, आप बताइए कि इतने सारे लोग हैं और सरपंच साहब अभी बोले हैं कि पूरा विकास हम किए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? एकदम ठीक रहा है, जो भी बात बोले हैं वो भी एकदम सही बोले हैं। अगर इस बार ये जीतते हैं तो आप क्या करवाना चाहेंगे इनसे? जो भी गाँव का काम है वो भी करवाएंगे हम लोग, जैसे झगड़ा हो गया, कोई भी तकड़ा हो गया, उसका भी फैसला ये करते हैं। ये कैसे प्रत्याशी हैं जो जीते हैं ना हर, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करते रहते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, उसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया इनको मानते हैं, बढ़िया मानते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है, क्या विकास का मुद्दा रहेगा अगर इस बार जीतते हैं तो? ये जब जीते हैं तो सब प्रत्याशी से अच्छा काम किए हैं। जब भी जीते हैं अभी भी इनका आचरण ठीक है, अभी भी आचरण ये तो दिख रहा है, पूरे जनता इनके साथ है, जनता अगर इनके साथ है, इनके साथ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? भिखारी यादव। युवा भी कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है इतना सारा हुजूम है सरपंच साहब के साथ, और आपके जो सरपंच हैं वो बहुत शिक्षित उम्मीदवार हैं और काम कराने में तो मास्टर माइंड है, वो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि इनको सब लोग बूढ़ जवान लड़का से सब लोग ठान लिया है, कब की बार इनको सरपंच बना के हम लोग को भेजेंगे, क्या देख लीजिए, छोटा छोटा बच्चा सब आया है इनको रैली में देखने के लिए। आपका शुभ नाम क्या? मेरा शुभ नाम मुकेश कुमार। कैसा लग रहा है आपको आज? हमारा भी ठीक है। अगला क्या हसनैन खान जी को जिताएंगे आप? हाँ, वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं होगा आपका, फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है। घर पे आप जाकर कहेंगे कि हाँ मम्मी पापा वोट दीजिए हसनैन खान? हाँ, क्यों नहीं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर हसनैन खान जी के साथ, ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप बताइए अगर ये जीतते हैं यहाँ से तो आपके नज़रिए से सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा विकास का? सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा कि गांव में जो है तो रोड जो खराब है वो सब जो है तो सही होना चाहिए। और इनके बारे में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि सबसे बड़े हैं या छोटे हैं, सबके साथ व्यवहार से बात करते हैं और गरीब
के घर भी जाते हैं, अमीर के घर भी जाते हैं और सबके साथ जो है तो उठते बैठते हैं, सबके साथ जो है तो मिलते जुलते रहते हैं। तो हमारा यही है कि जो है तो इस दफ़ा जो है तो ये जो है तो मुखिया सचिव। आपका शुभ नाम क्या हुआ? गुलाबुद्दीन खान। गुलाबुद्दीन खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव से पहले जीत का खुशबू आ रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो ख्वाजा बाबा का देन है और भगवान का मर्जी है और जनता का देन है कि जो खुशबू आ रही है जीत की। यहाँ जनता अगर नहीं चाहेगी तो खुशबू नहीं आएगी जी। जनता की सपोर्ट बहुत जरूरी है और यहाँ के प्रत्येक बच्चे बच्चे में आपका नाम एकदम जैसे रग रग में जो पढ़ लेता है, रट लेता है, वो इस टाइप का है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि आज के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो कल जब जवान हो तो हमारे ही तरह से विकास करने वाले और सबके साथ मिलजुल करके रहने के लायक बने और सबका साथ सबका विकास करें। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपको कैसा लग रहा है और आप क्या क्यों इनको वोट देंगे इस बार? देखिए, ये विकास पुरुष हैं, पहले भी ये उप मुखिया रह चुके हैं तो इनके समय में काम अच्छा ही हुआ और सरपंच भी रह चुके हैं, ये दोनों काम कर चुके हैं, इनमें कोई शक नहीं है। इन्होंने उप मुखिया रहते हुए भी बहुत सारा काम किया है। यही बताए तुझे, ये रोड ये जो बनाया हुआ है इन्हीं का देन है, ये जो बनाया हुआ है सब बहुत इन्हीं का देन है। अगर ये मुखिया होते तो क्या? अरे तब तो ये लोहर का लोहर चमकी लहला देते। हाँ, और यही कहूंगा मैं, यही कर समाप्त करूंगा, ये इनके जैसा महापुरुष अब कोई नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम महादेव यादव है। अगर सरपंच से जीतते हैं तो आप क्या करवाना चाहेंगे? उसी अंदाज में बोलिएगा जो इस अंदाज में बोले। सुनिए, वो तो वो करेंगे जो देख कर लोग कहेंगे जो हम इन्हीं को रखे, लेकिन अब आखिरी लड़ाई कह रहे हैं, जो लड़ रहे हूँ हम लोग दोनों इनके साथ हैं। उप मुखिया रहते हुए इन्होंने मुखिया के बराबर कार्य करवाया है और अपना से जितना हो सका इन्होंने किया, बहुत सारा विकास किया है ये हसनैन खान जी। सर, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज अगर देना चाहें तो? मैसेज मेरा यही है कि सब लोग खुशहाल रहें और दिल से रहें और हमारा आशीर्वाद ले और अपना आशीर्वाद ये लो हमको दें। आने वाले 8 अक्टूबर को आप मतदान केंद्र पर जाइए और हसनपुरा न्यूज के तरफ से, पूरे फैमिली के तरफ से यही निवेदन मैं करता हूं कि सभी वोटर जाकर अपना वोट दें, मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद हसनपुरा न्यूज देखने के लिए।